हेलो दोस्तों, स्वागत है परनामी बैग के चेक एंड टेस्ट चैनल पर। आज फिर से आज रहे एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है टॉमी हिल्फिगर लगेज के ऊपर। बेसिकली ये जो लगेज आपको दिखाई दे रहा है मीडियम साइज का ये लगेज है टॉमी हिल्फिगर। ये कंपनी, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो काफी पुरानी कंपनी है। यूएसए से ये कंपनी स्टार्ट हुई 1968 से। यूएसए से ये कपड़ों की बेसिकली कंपनी है, कपड़े और जूते। लेकिन इसने जो लगेज का काम जो स्टार्ट किया है वो 1985 के अंदर इसने इंडिया के अंदर लगेज लॉन्च किया है टॉमी हिल्फिगर का लगेज। हार्ड और सॉफ्ट लगेज, इसमें दोनों ही तरह के लगेज जो है ये आते हैं। इस लगेज की अगर मैं बात करूं तो मीडियम साइज का लगेज ये ग्लोसी सीट के अंदर रहने वाला है। फीचर की अगर मैं बात करूं तो फीचर आप देख सकते हैं। सबसे पहले व्हील की अगर मैं बात करूं तो एट व्हील डुअल व्हील इसको बोल सकते हैं। एट व्हील स्ट्रक्चर के अंदर ये लगेज बना हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं साइड की, तो साइड में आपको चार स्टैंड यहाँ पे साइड स्टैंड देखने को मिलेंगे। और ट्रॉली की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम स्टील ट्रॉली इसमें लगी हुई है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की ट्रॉली है जो 18 से 20 kg जो वेट है आराम से कैरी कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं हैंडल की, तो काफ़ी शानदार लेदर के फ्लेक्सिबल इसमें हैंडल लगे हुए हैं। डुअल साइड इसमें जो फिक्स हैंडल है वो लगे हुए हैं। काफ़ी शानदार हैंडल की क्वालिटी इसमें लगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं लॉक की, तो लॉक इसमें रहने वाला है TSA इंटरनेशनल लॉक इसमें लगा हुआ है। काफ़ी शानदार क्वालिटी का लॉक इसमें रहने वाला है। रनर्स काफ़ी शानदार क्वालिटी के रनर इसमें दिए हुए हैं। काफ़ी हैवी मेटल के रनर इसमें लगे हुए हैं। चैन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसमें लगी हुई है। और इसके अलावा इसमें चैन में देखिए आपको डुअल सिलाई देखने को मिलेगी। बाहर की साइड इसमें डुअल सिलाई की हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके इनसाइड के इंटीरियर की, तो इनसाइड से मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो स्पेस रहने वाला है काफ़ी स्पेस रहने वाला, क्योंकि लगभग 26 इंच का ये बैग है जो आपको मिलने वाला है, देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा इस साइड की बात करूं तो इस साइड भी बराबर का स्पेस इसमें रहने वाला है। इस साइड सेपरेटर रहने वाला है। और अंदर की साइड जो बेल्ट लगे हुए हैं, जो पैकिंग बेल्ट है, इलास्टिक बेल्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। दोनों साइड इसमें जो बेल्ट है वो लगे हुए हैं। अलाइनिंग की क्वालिटी देखिए काफ़ी फाइन इसमें दी हुई है। इसके अंदर फोम भी लगी हुई है कंपनी की, ये देखिए फोम लगा के फिर ये अलाइनिंग लगा हुआ है। तो ओवरऑल इसमें एक पॉकेट भी देखिए दी हुई है इस साइड में, नीचे की साइड में एक पॉकेट दी हुई है टॉमी का। आप लोगों देख सकते हो इन साइड भी इसमें दिया हुआ है। बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल बैग ये रहने वाला है। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो इसमें जो फीचर ओवरऑल व्हील की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, और हैंडल्स की क्वालिटी अच्छी दी गई है, लॉक की क्वालिटी अच्छी दी गई है, और ट्रॉली भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्टील ट्रॉली दी गई है। लुक वाइज इसको देखें तो येलो और इसका नेवी ब्लू का जो कलर है काफ़ी शानदार इसमें लग रहा है। तो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा ये लगेज रहने वाला है। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो वारंटी इसमें 3 साल की जो इंटरनेशनल वारंटी रहने वाली है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी इसकी जो वारंटी है वो रहने वाली है। अगर इस बैग का प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसका लगभग 7,999,800 के लमसम ये बैग रहने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लगेज के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने परनामी बैग चेक एंड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।